एग्जाम के टाइम पे प्रेशर, स्ट्रेस सबको आता है दोस्तों। फर्क बस इतना ही है कि कुछ लोग उस स्ट्रेस से निखर जाते हैं और कुछ बिखर जाते हैं। जो निखरते हैं वो स्ट्रेस को अच्छी तरह से हैंडल करना जानते हैं। बस अपनी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए इन तीन बातों को जरूर याद रखें। पहली, टेंशन लेना बंद कीजिए। टेंशन लेने से न तो हमारा सिलेबस कम होने वाला है और न ही हमारे नंबर अच्छे आने वाले, बल्कि टेंशन लेने से जो भी याद था वो दिमाग से निकल जाएगा। टेंशन लेने से पढ़ाई पूरी करने के जो चांसेस थे वो भी खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए टेंशन लेने की बजाय जो आप पढ़ रहे हैं ना, उस पर अपना अटेंशन लगाएं। अटेंशन से दिमाग में कुछ घुसने लगेगा, वही चीजें याद रहने लगेंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो से नो टू टेंशन एंड ए यस टू अटेंशन। दूसरी बात, एग्जाम जब नजदीक आ जाती है तो अपने टाइम को थोड़ा सही तरीके से यूज करें। टाइम पास कम करें, सोशल मीडिया की ब्राउजिंग कम करें। ये सब करने के लिए बाद में बहुत टाइम मिलेगा दोस्तों। मैं बंद करो ये नहीं कह रहा, क्योंकि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय एंड जिल ए डल गर्ल। बस कम करें। तो अभी टाइम पास कम, टाइम यूज ज्यादा। तीसरी बात, स्ट्रेस दिमाग में लेकर मत बैठिए। अपने दिल की बात किसी से कहकर अपना दिल हल्का करें, चाहे वो दोस्त हो या पेरेंट्स हो या टीचर्स हो। और हाँ, डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में किसी की हेल्प जरूर ले। लाइफ सीसॉ जैसी होती है ना दोस्तों, जब आप नीचे जाए तो दूसरा कोई आपको ऊपर उठाए, और जब वो नीचे जाए तो आप उनके काम आए। तो स्ट्रेस से अपनी एनर्जी को खर्चा करने की बजाय चर्चा कीजिए। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी परीक्षा पे चर्चा योजना पिछले कई सालों से चला रहे हैं। सो से नो टू एनर्जी खर्चा, इंस्टेड ऑफ दैट लेट्स डू चर्चा। विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप सबको अपनी परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।